डॉक्टर अरुणा जी नमस्कार, आप नई है क्या इस बार, इस महीने में अभी आई क्या मैम? नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कषाय कल्पना एवं क्वाथ कल्पना का ये हमारा तीसरा सत्र है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक दो यूनिक कषाय या क्वाथ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे कि भू निम्बादी कषाय एवं पथ्यादि कषाय। तो सबसे पहले तो भू निम्बादी कषाय की बात करते हैं। मैंने आपको कषाय कल्पना के बारे में काफी कुछ पहले ही सत्र में किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, अलग अलग आचार्यों ने कषाय के बारे में क्या बताया है, और कषाय का कंपैरिजन हम लोग जब करते हैं तो कुछ जैसे कि हर कल्पना के, भले वो चूर्ण हो, अवलेव हो, या वटी गुटिका हो, जो भी है, बट इन सभी का एक अपना महत्व है, या कई कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं इसके। इसी प्रकार से कषाय के भी लिमिटेशंस है। जैसे आप इसको फ्रेश प्रिपेयर करते हैं कषाय, तो 4 to 6 hours से इसका प्रयोग आपको करना होगा। अगर आप इसका टैबलेट के रूप में यूज कर सकते हैं, आजकल सभी प्रकार के एवीएम या एवीएन करके कुछ एक यह है हर्बा कंपनी है जो कि टैबलेट्स भी बनाती है कषाय कल्पना का, तो इसका जो क्वाथ के टैबलेट्स आपको मिल जाते हैं ना, ये टैबलेट्स तो आप इजीली ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कषाय कल्पना आज मॉडिफाई होकर हमारे सामने आई है। फिर भी काढ़ा, जैसे कि इसकी सोल्युबिलिटी या ये जल्दी से जल्दी हमारे शरीर में घुल मिल जाता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करना बहुत ज्यादा अच्छा बताया है। जैसे स्त्री रोगों में हो या कई सारे ऐसे व्याधि है, जैसे हम लोग आहार कल्पना के बारे में पढ़ते हैं, आहार का सेशन हम लोग चलाते हैं, उसमें काफी विस्तारित रूप से मैंने अलग अलग व्याधियों में किस प्रकार से हम लोग आहार के ही उपयोग से, यानी हमारे घर में जो भी सारा आहार बनता है, जो भी सारे अनाज है, उससे ही हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार के काढ़े के रूप में किस प्रकार से अलग अलग व्याधियों में, जैसे मैंने आपको ज्वर पढ़ाया था, तो ज्वर में हम केवल सिंपली घर में जो भी अवेलेबल है उससे ही हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन की और चलना है, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये सोचना है कि कम से कम हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, यानी मेडिसिन हम लोग कम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो भू निम्बादी कषाय, भू निम्बादी कषाय का रेफरेंस आया है भेषज रत्नावली में ज्वर चिकित्सा अध्याय में, यानी ज्वर चिकित्सा के लिए खासकर आचार्य भू निम्बादी कषाय के बारे में बताते हैं, यानी ज्वर में हमें सबसे पहले भू निम्बादी कषाय को उपयोग में लाना है। इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें जो यूज किया है कंटेंट्स इसके है, इसमें चिरायता है, तसी है, लोद्र है, नागरमोथा है, इंद्रजव है, गिलोय है, नेत्रवाला है, धनिया है, और बेल की गिरी है। ये सभी प्रत्येक द्रव्य 3-3 माशय की मात्रा में लेना है, और इसका जौ को चूर्ण कर लेना है। पश्चात इसको आधा से जल में क्वाथ बनाना है, आधा पाव जल शेष रहने पर उतार कर छान ले, और इसमें शहद 1 टोला मिलाकर दिन में 2-2 या 3 बार आवश्यकता अनुरूप इसका प्रयोग करें। ये कुछ बृहत निघंटु रत्नाकर में भी इसी प्रकार से इसका उल्लेख आया है। तो एक एक बात मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें चिरायता है, अतसी है, अतसी एक ऑक्सीडेशन इंप्रूव करने वाला बहुत अच्छा, सेल्यूलर लेवल पर ये काम करने वाला एक अच्छा ड्रग बताया है अतसी। लोद्र हमें पता है ये तिक्त कषाय गुण का है, स्तंभन का कार्य करता है। ज्वर की संप्राप्ति आपने समझ ली है, ज्वर में जो एक प्रकार से बीमांड होता है, या ज्वर की मुख्य संप्राप्ति में हमने देखा कि ज्वर में उष्मा जो है, शरीर का अग्नि जो है, एक कोष्ठस्थ अग्नि की विकृति होती है, तो हमें इस उष्मा को रिलीज करना होता है। अग्नि का जो एक दबाव रहता है कोष्ठ में, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हमारा जो शरीर है एक विशिष्ट तापमान में कार्य करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इजीली काम हो जाते हैं। होमियोक्यूलो थर्मल एनिमल ऐसे हम लोग मनुष्य को कहते हैं, एक विशिष्ट तापमान में हमारे सेलुलर टाइप की एक्टिविटीज हो जाती है। तापमान अगर बढ़ भी जाता है या कम हो जाता है तो वहां पे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिगड़ जाती है। तो ज्वर की संप्राप्ति में जैसे कि पित्त दोष का प्रकोप है, अग्निमांद है, और आम का बनना है, और इस आम के कारण अरुचि या फिर जैसे नौसिया है, अपचन है, अनेक सारे फिर थकान है, जो भी सारे लक्षण चिरशूल है, अंगमर्द है, संताप है, दाह है, ये सारे लक्षण ज्वर में निर्माण हो जाते हैं। तो इन सभी का हमारे जो भू निम्बादी कषाय उसका कैसे काम होगा, तो लोद्र है, कषाय तिक्त गुण का है, नागरमोथा रसरक्त पाचन करने के लिए बेस्ट ड्रग है, मुस्ता या नागरमोथा। आप खाली नागरमोथे का भी काढ़ा बनाकर या चूर्ण अगर देते हैं उबाल कर अच्छे से उसको आधा भाग बचाकर, तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मुस्ता इज अ बेस्ट दीपन पाचन ड्रग। तो यहाँ पे हमें जो अग्निमांद हुआ है इसके लिए रस और रक्त पाचन करना होगा, क्योंकि ज्वर यह रसवस्तु का व्याधि है, तो यहाँ पे रस पाचन क्रिया करने के लिए भी मुस्ता बहुत उपयोगी होगा, इसलिए हम लोग इसमें नागरमोथा मिला देंगे।
इसमें इंद्र जो करके भी द्रव्य है जो भी रक्त के ऊपर भी काम करता है। रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होने के कारण ज्वर में जो थोड़े से लक्षण हमें दिखते हैं, लाइक तृष्णा है, दाह है, आंखों में जलन होती है कई बारी, और खासकर अगर ग्रीष्म ऋतु में ये ज्वर आता है तो आंखों में जलन या हाथ पैरों की जलन बहुत बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो इसमें इस दृष्टि के लिए ये इंद्र जो काम करता है। गिलोय है गुरुची, गुरुची को ज्वर का एक पेटेंट ड्रग माना जाता है, गुरुची घनवटी, गुरुची का काढ़ा या संशमनी वटी, इस रूप में गुरुची का हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइक अभी कोरोना के इसमें भी हमने गुरुची का बहुत उपयोग किया। सो गुरुची अमृता ये आयुर्वेद का एक ऐसा असीम द्रव्य है जो जिसके अनगिनत फायदे है, तो यहाँ पर गुरुची भी आम पाचन करने के लिए अच्छा काम करेगा, रसव स्त्रोत की दृष्टि और रस का पाचन भी करेगा गुरुची। यह अस्थि मज्जा पाचन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि शुक्र दृष्टि है तो वहां पर भी हम लोग गुरुची का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज्वर हमने देखा कि आचार्य चरक ने ज्वर का काफी विस्तारित रूप से वर्णन किया है, उन्होंने ज्वर के सारे प्रकार, केवल वात पित्त कफज नहीं, सन्निपातज है, अन्य दुष्क है, सतत है, चतुर्थक है, अलग अलग प्रकार से धातुगत ज्वर अवस्था भी आती है, तो इतना विस्तारित रूप से आचार्य बताते हैं। तो इसमें जब धातुगत अवस्था आती है तो धीरे धीरे सभी धातुओं के ऊपर इसका परिणाम हमें दिखता है, तो हमें सभी धातुओं का बल बढ़ाना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए ज्वर में जब लंघन, फिर दीपन, पाचन या बाकी सभी प्रक्रिया के बाद उन्होंने फिर से ब्रूहन भी बताया है। ब्रूहन के लिए दुग्ध पान करना, मांस रस पिलाना, ये भी सारी चिकित्सा के रूप में ही आचार्य बताते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये गिलोय अच्छा काम करेगा। इसमें नेत्रबाला है, नेत्रबाला ये तृष्णा शमन करने वाला और दाह को कम करने वाला, और जो स्वेदावरोध होता है ज्वर में, इस स्वेदावरोध को कम करने वाला एक अच्छा ड्रग माना है नेत्रबाला। धनिया है, धनिया भी आम पाचन करने में बेस्ट है, और धनिया अरुचि के ऊपर भी काम करेगा धनिया खास करके, और धनिया हमें पता है कि तिक्त और शीत कषाय गुण वाला है, तो दाह शमन, तृष्णा शमन के लिए भी धनिया अच्छा रहता है। धनिया भले ही मसाले के रूप में यूज किया जाता है बट धनिया का वीर्य शीत होता है, इसीलिए धनिया हम लोग काफी सारे जो पित्त प्रकोप जो व्याधि है उसमें भी धनिया का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो पोटेंसी है इट इज कोल्ड इन पोटेंसी, यानी शीत वीर्य वाला है, इसीलिए धनिया भी आम पाचन का अच्छा काम करेगा। दूसरा इसमें जो बेलगिरी है, बिल्व, बिल्व भी हमारे अग्नि के ऊपर काम करने वाला और आम को पचाने के लिए बिल्व बहुत काम अच्छा काम करता है। बिल्व इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ग्रहणी है, ग्रहणी या पक्व जहां पर मतलब एक प्रकार से अन्न अच्छा पचता नहीं हो, जहां पे आम बनता है वहां, और पक्व मल मुहूर्तबद्ध या कहीं कभी बार द्रव मल प्रवृत्ति होती है, इसके लिए भी बिल्व का अच्छा काम होता है। बिल्व यह ग्राही माना गया है, यहाँ पे बिल्व अग्नि के ऊपर काम करने के साथ साथ पचन या जो एक अधमान नाटक के लक्षण होते हैं ज्वर में भी काफी, तो उसको कम करने के लिए भी बिल्व अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से ये भू निम्बाधिक कषाय पेटेंट या एक अधिकार के रूप में ज्वर व्याधि में इसका वर्णन आया है। अभी ज्वर में तो हमने इसको देख लिया, ज्वर में आचार्य बताते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो लंघन करेंगे और फिर सातवें दिन के बाद या पांचवें दिन के बाद, कम से कम पहले तो 3 दिन हमें लंघन ही करना है, लंघन के बाद दीपन पाचन कराएंगे, उसके बाद एक्चुअली मेडिसिन स्टार्ट करनी है। काफी गलत धारणा होती है कि हम लोग जब ज्वर आता है तो पहले ही दिन हम उसको मतलब इंटरनल मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसे नहीं करना है। तो पहले दिन तो हमें लंघन, 2 दिन तो कम से कम लंघन करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको लंघन, शुंठ सिद्ध जल या उष्णोदक या शुद्धशित जल पर भी रखेंगे तो धीरे धीरे ज्वर मुक्ति में हमें अच्छा राहत मिल जाती है। इसके बाद आप इसमें रसपाचक, रक्तपाचक और फिर काढ़े का प्रयोग करना है, भूनिम्बादी कषाय का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है, 10 से 20 ml की मात्रा में उतना ही पानी मिलाकर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो से जो रसव स्त्रोत में तो इसका उपयोग करना ही है हमें ज्वर के लिए भी, और सभी प्रकार के ज्वर के लिए अच्छा काम करने वाला है ज्वर के लिए, बाकी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं जब अगर आप भूनिम्बादी कषाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका प्राणव स्त्रोत के जो व्याधि है जैसे श्वास है, कास है, इसमें भी अच्छा उपयोग इसका बताया है, इसमें भी हम लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। खांसी, देखिए जो भी आयुर्वेद के व्याधि है जहां पर भी आम बनता है, इन सभी कंडीशंस में हम लोग भूनिम्बादी कषाय का प्रयोग करेंगे जो आम पाचन भी करेगा, अग्नि के ऊपर भी काम करेगा, तो खांसी है या श्वास है, कफजनित विकार है इसके लिए, या अरुचि है, अग्निबांध्य है, ये लक्षण भी अगर आपको किसी व्याधि में मिल जाते हैं तो उसमें भी आप भूनिम्बादी कषाय का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सारे कंटेंट्स है
मंद ज्वर के लिए अच्छा है, कुछ पेशेंट बताते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, बट मुझे खुद को लगता है कि अंदर से ज्वर है। हम लोग मराठी में बोलते हैं हड्डी ताप बोलते हैं, हड्डी मतलब अंदर से अभ्यंतर उसको लगता है कि मुझे बुखार है या गलावट है, थकान है, अरुचि होती है, अग्निमान्य होता है। तो इन सभी कंडीशन के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं मंद ज्वर में, मधु ज्वर में। इसमें जैसे कि हमने देखा तिक्त कषाय रस है, काफी बच्चों में वगैरह काफी बार ऐसे देखा जाता है कि ज्वर के साथ अतिसार भी लक्षण दिखता है, यानी द्रवमल प्रवृत्ति के भी पेशेंट्स होते हैं, द्रवमल प्रवृत्ति और हल्का बुखार है। तो बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज गुणिंबादी कषाय, इसको आप अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। गुणिंबादी कषाय को ज्वर के लिए भी अच्छा इसका प्रयोग होगा, श्वास कास्ट में भी इसका अच्छा प्रयोग होगा, रक्त पित्त में। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर पित्त जनित प्रकोप है ज्वर में, इसी प्रकार से पित्त के प्रकोप से ही रक्त पित्त के दो प्रकार होते हैं, अधोग या उर्ध्वक प्रकार से। तो अधोग या उर्ध्वक जो भी प्रकार है, इसमें रक्त अधिक मात्रा में शरीर के बाहर चला जाता है, नासागत रक्तस्राव है, गुदगत है, अलग अलग जो हमारे बहिर्मुख स्रोत है, इससे रक्त अतिरिक्त मात्रा में, अतिरिक्त प्रमाण में शरीर के बाहर आने लग जाता है। तो यहाँ पर भी स्तंभन ही हमारी प्रमुख चिकित्सा होती है, और स्तंभन के साथ साथ जो भी एक अति प्रवृत्ति टाइप का ये लक्षण होगा, अति प्रवृत्ति संग और शिरा ग्रंथि, चार प्रकार के जो व्याधि निर्माण होने के चार जो कारण बताए ना, इसमें अति प्रवृत्ति रक्त में होती है। तो इसमें हमें स्तंभन भी करना है, स्रोतसों को थोड़ा सा विशोधित भी करना होता है, यानी स्रोतसों में जो भी थोड़ा आम का संचय है, कुछ क्लेद जम गया है, इसको भी हमें कम करना है। तो इन सभी लक्षणों के लिए भी अतिसार में भी हम इसका प्रयोग करेंगे, रक्त पित्त में भी इसका अच्छा उपयोग बताया है, श्वास कास की संप्राप्ति में भी मैंने आपको इसका उपयोग बता दिया। तो गुणिंबादी कषाय एक बेस्ट चॉइस के रूप में इस प्रकार से आप इन सभी व्याधियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसका कुछ अनुभव हो तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले डिस्कस करना है या फिर अगला कषाय भी पढ़ना है, पथ्यादि कषाय, ये बताइए। नमस्कार सभी को। यस मैम, आपने कहाँ पे यूज किया है गुणिंबादी काढ़ा तो बताइए प्लीज। पित्त के वैधियों में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग है, पित्त वैधि में हम लोग दे सकते हैं, अम्ल पित्त में भी गुणिंबादी कषाय का अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई पेशेंट्स में हम लोग गुणिंबादी कषाय उपयोग में लाते हैं, सूतशेखर, कामदूधा, ये इसके साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है। बेसिक ड्रग है ये गुणिंबादी कषाय हाइपर एसिडिटी के लिए, जिस पेशेंट्स को नौजिया, वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह होती है ना, उसके लिए भी हम लोग इसको दे सकते हैं। यस, आपका अनुभव है इसके साथ कुछ तो बताइए प्लीज। यस मैम, उषा जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, बताइए। मैम, कोरोना के टाइम में मैंने गुणिंबादी काढ़ा बहुत यूज किया है, दसमूल का कॉम्बिनेशन में, कि वो दसमूल वायु का समन करेगा, ऐसे तो त्रिदोष है मगर इसमें अच्छा काम करे। उसके साथ गुणिंबादी देती थी ना, तो श्वास का कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं पेशेंट को, उसका कॉम्बिनेशन में, और कभी कभी पथ्यादि भी साथ में देती गुणिंबादी के बदले। पथ्यादि, बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसको साथ में लिया है। पथ्यादि और गुणिंबादी अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है ये। यस मैम, थैंक यू मैम। और कुछ किसी को बताना हो तो, पित्त शमन के लिए देना है आपको, ये और दीपन भी पांडु में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यस 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 मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करेगा कामला और पांडु में भी अच्छा काम करेगा। लिवर टॉनिक बोला जाता है इसको, इस यकृत की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए भी गुणिंबादी कषाय ना, थोड़ा वैरायटी से है। एक्चुअली ज्वर में आया है, बट ज्वर में पित्त का प्रकोप है, तो बाकी सभी पित्त जनित जो भी व्याधि है, आप तृष्णा में, दाह प्रशमन में, क्योंकि जैसे पांडु और कामला में भी पित्त कहीं ना कहीं प्रकोपित होता ही है ना, उसमें भी दिया है ना, पित्त ग्रहणी में भी दिया है, दे सकते हैं, पित्त ग्रहणी में भी देते हैं। इसमें बिल्व है ना मैम, तो बिल्व है तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। इस कंटेंट्स इसके देखिए, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ कि हम लोग कंटेंट के साथ भी अगर समझेंगे ना तो और अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। मतलब वैसे तो हमें पेटेंट के रूप में पता होता है कि गुणिंबादी कषाय अम्ल पित्त के लिए अच्छे है, बट इसके कंटेंट्स को हम लोग समझते हैं इसमें क्या है तो और ज्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करने के लिए ही आपको पढ़ा रही हूँ। थोड़ा और कुछ मैं इसमें एडिशन भी करूंगी, कैसे इसको बनाना है को लेकर वो भी कुछ एडिशन बताऊंगी। जैसे वात में आपको इसमें देखिए, इसमें प्रक्षक भी ऐड किए जाते हैं, कुछ अलग अलग रूप से आप शहद ऐड कर सकते हैं इसमें, शुगर भी, कई बार शुगर कैंडी भी डाली जाती है, तो शुगर कितनी डालनी है। तो वात प्रकृति में या वातज विकारों में हमें 1/4 मात्रा में शुगर ऐड करनी है,
और जैसे पित्तज में 1/8 मात्रा में और कफज में कम मात्रा में यानी 1/16 मात्रा में। आचार्य हरित ने इतने विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया है कि आप कषाय में अगर कुछ मिलाना चाहते हैं यानी शुगर वगैरह मिलाना चाहते हो तो किस प्रकार से इसको मिलाएंगे, इसके बारे में भी आचार्य निर्देश करते हैं। हरित संहिता में ये खासकर डिटेल में इस प्रकार से बताया है कि क्या हम लोग कैसा ये करेंगे। इसी के साथ साथ आचार्य हरित ने और एक बात खासकर बताई है, जब आपको मतलब कुछ केवल तर्पण के लिए कषाय बनाते हैं तो आपको ज्यादा बॉइलिंग नहीं करना है, आप अगर पाचन के लिए कषाय बनाते हैं तो इसको हाफ बनाइएगा। आपको कुछ मॉइस्चरिंग करना है शरीर में, क्लेदन करना है, इसके लिए अगर आप बनाते हैं तो आप इसको 14th तक रिडक्शन करिएगा, 14th काउंट तक, 1/4 तक इसको रिडक्शन करना है। अगर आपको स्तंभन करना है तो 1/8 पार्ट में, दीपन करना है तो 1/10 मात्रा में, शोधन करना है तो 1/12 मात्रा में, और विशोधी काम करना है तो 1/16 मात्रा में। तो इस प्रकार से काढ़ा को लेकर मैंने पहले भी दिन बताया था आपको कि आप उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है ये डिपेंड करता है वैद्य के लक्षण के ऊपर, वैद्य की तीव्रता के ऊपर। जितनी तीव्रता है उतने हिसाब से आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड भी बना सकते हैं या कम कॉन्सेंट्रेटेड के रूप में भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको जितनी मात्रा में लाइक शुगर डालनी है, हनी भी डालनी है तो इसी पोर्शन से रहेगा। अगर आपको इसमें शहद भी डालकर बनाना है या पीना है तो भी, मार्केट में जो कषाय अवेलेबल होते हैं ना इसमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सोडियम बेंजोनेट या पैराबेंस के मतलब मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोनेट तो हम लोग जानते हैं च्यवनप्राश से लेकर जो मुरब्बा वगैरह बनते हैं ना इसमें भी ये ऐड किया जाता है। टैबलेट्स जो आती है मार्केट में वो 2 टैबलेट्स 2 बार यूज करनी है। कषाय के बारे में एक भी ये भी पढ़ा था मैंने कि 6 AM to 6 PM यानी सवेरे 6 से शाम के 6 बजे तक कषाय का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहता है, उसके बाद नहीं यूज करें, यानी शाम के 6 बजे के बाद इसका ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं होगा। बस इसके डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये लगता है मुझे कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ती है, डोज थोड़ा ज्यादा है, कई बार 50 ml तक भी दिया जाता है 20 to 50 ml की मात्रा में, ऐसे होता है थोड़ा सा, इसका मतलब डोज ज्यादा है बट इफिशियंसी अच्छी है, डायरेक्ट अच्छा मतलब ये घुल मिल जाता है शरीर में जाकर। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाना हो तो इसके में पानी की मात्रा को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको उबालिए तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ जाता है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है लाइक क्यूमिन या कभी कभार लवण डाल देते हैं हम लोग, हिंगू डालते हैं, जिंजर डाल देते हैं, ब्लैक पेपर वगैरह डालते हैं तो 3 ग्राम की मात्रा में डालना है। और अगर कुछ लिक्विड डालना है, कुछ घी, मिल्क, कुछ गुड़ वगैरह डालना है, तेल वगैरह डालना है तो 12 ग्राम की मात्रा में इसको डालना होगा। तो ये मात्रा का प्रमाण भी आचार्य बताते हैं। शहद के बारे में भी वही बताया है, जैसे कि वात दोष और पित्त दोष को मधुर रस इंडिकेटेड है, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, बट कफ दोष के लिए अगर आप बनाते हो तो उसमें कम ही डालेंगे, शहद भी कम डालेंगे या शुगर भी कम ही डालनी होगी हमें इसमें, शुगर के और शहद का भी वही सेम प्रोपोर्शन होगा एड करना हो तो। टैबलेट्स तो 2 ईयर तक उसका शेल्फ लाइफ है, कषायम का 3 इयर्स तक है, और बट अगर आप घर में सेल्फ मेड बनाते हो तो वो तो बस 6 आवर्स तक ही ज्यादा अच्छा रहता है। कषाय ये हम लोग एक्चुअली कई रूप से इसका काढ़े का प्रयोग तो कई बार हम लोग धावन के लिए करते हैं, हम लोग परिषेक के लिए काढ़े का प्रयोग करते हैं, डूज के लिए भी हम गायनिक में भी प्रयोग करते हैं, आप ऐसे लाइक अर्श पाइल्स में भी लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब कषाय बनाते हैं तो लीड क्लोज मत करिएगा, हमेशा कषाय को ऐसे बिना कवर के बिना लीड के ही करना है हमें, और उसको कंटिन्यू हिलाते रहना है और माइल्ड मतलब इस पे ही फ्लेम पे ही करना है, या माइल्ड या मीडियम टाइप में, बहुत फास्ट गैस पर नहीं रखना है। और पाउडर कितनी, अभी एक और ये एडिशन में मैं बता देती हूँ कि आपका क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी कितनी लेनी है ये भी उसके हार्डनेस पर डिपेंड करती है। अगर आपका जो हर्ब है वो बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड है ना, हर्ब अगर बहुत ही ड्राई है, हार्ड है, तो वहां पे हम लोग 1 पार्ट कोस पाउडर लेंगे और फिर 16 पार्ट वाटर कर उसको बॉइल करेंगे। जब आपका बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है ना हर्ब, कई बार आचार्य बताते हैं कि आपको उसको भिगो कर भी रखना है, कुछ काढ़े बनाते समय द्रव्य को भिगो कर रखा जाता है, उसके बाद उसको उबाल दिया जाता है। और अगर सॉफ्ट है तो 1/8 क्वांटिटी में आप लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ही है बताया इसका, इस टाइप से ही इसको एडवाइस किया गया है प्रोपोर्शन वाटर का। थोड़ा सॉफ्ट है तो आप इसमें 4th पार्ट वाटर का मिला सकते हैं, हार्डनेस के ऊपर आपकी पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा हार्ड के लिए 16 और मीडियम हार्ड के लिए 8 और एकदम सॉफ्ट है तो 4
गुना पानी भी आप इसको डालकर बना सकते हैं। सो इस प्रकार से ये भूनिम्बादी कषाय हमारे लिए एक अच्छा मेडिसिन है जो पित्तजनित सभी व्याधियों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पथ्यादि कषाय की तरफ। यस मैम, वर्षा जी, अरुणा जी, गीता जी, गीता जी आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू किया आपने? डॉक्टर गीता? हाँ चालू कर दिया मैम। हाँ चालू कर दिया। कैसा है पेशेंट? ठीक है? सब कुछ बता दिया अच्छे से उसको काउंसलिंग? हाँ उसको आप बता दिया उसको। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा मतलब बीच बीच में 15 दिन में उसको फॉलो भी लीजिएगा, उसका चल रहा है ना, करेक्ट चल रहा है का, वो भी देखिएगा। हाँ वो इस बात को उसने बोला कि वो कम्प्लीटली फॉलो अप करेगी जो जो किया वो। okay. उसको रिजल्ट चाहिए ना, आप तो yes. होता है उसको। यस बिल्कुल बिल्कुल। अनुपान कषाय में ये और मैंने वो अदरक नस्य अदरक नस्य के बाद में और कोई नस्य दूं? वो दो दिन मैंने अदरक सरसा का नस्य दे दिया। नहीं मैम मत दीजिएगा, काफी है अच्छे से। okay. आपने ऑलरेडी शोधन भी किया था ना, तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है वैसे। भूनिम्बादी कषाय में बस्ती अभी नहीं ना, अभी नहीं देना है ना। ओके okay. आपको पीचू बताया था ना मैंने, पीचू हाँ वो चाह हाँ फल पीचू चालू करवाया। हाँ यस यस पीचू चालू करवाया पूरा मैंने। हाँ, शायद आपको हाँ प्लान दिया हाँ, था ना हाँ, तो उस हिसाब से ही 6 से 15 दिन के बीच में हाँ, पीचू वगैरह रखिएगा। अभी शायद 15 दिन के ऊपर हाँ, गया होगा उनका। नहीं गया अभी, आज 12वां दिन है। हाँ ठीक है ठीक है ओके। बीच में कुछ लगा तो मैसेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके 12वां 15 दिन के बाद नहीं ना पीचू? नहीं पिचू नहीं, 15 दिन के बाद पिचू का कुछ उपयोग नहीं होगा। 7 दिन कंटिन्यू दे दिया है ना आपने तो जरूरत नहीं है अभी। अभी तो फिर बाकी का जो बताया था ना मैंने आपको सारा, लाइक मुझे लगता है पुष्यानुक चूर्ण बताया था, घृत बताया था एक लेने को, इंटरनल पुत्र जीवक दिया था, पुत्र जीवक और ये दिया था, बीज पुष्टि चूर्ण दिया था ना, बीज पुष्टि वो चालू रखिए पूरा कंटिन्यू। ये अच्छा है, ये मतलब कंटिन्यू रहेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ओके यस, तो इस प्रकार से भूनिम्बादी कषाय के लिए तो अनुपान आपको शहद ही रखना है, और दूसरा रक्त दुष्टि कर व्याधियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए रक्त पित्त से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है पेशेंट्स के, उसमें हम लोग इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े फिर नेक्स्ट कषाय है पथ्यादि कषाय। जैसे अभी मैम बता रही थी कि हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं, सो पथ्यादि कषाय के कंटेंट्स अगर आपको, क्या है कंटेंट्स बताइएगा कोई पथ्यादि कषाय में? सबसे पहले तो इसमें है बड़ी हरेड, फिर बेहड़ा है आंवला यानी त्रिफला, हिरड़ा बेहड़ा और आंवला, फिर नेक्स्ट है चिरायता हल्दी, और फिर नीम के वृक्षों पर लगी हुई गिलो, यानी हमेशा हम लोग महाराष्ट्र में भी यही बताते हैं कि जब गुड़ुची या गुड़वेल लेनी होती है तो वो नीम के ऊपर की लेनी है, क्योंकि वो ज्यादा गुणकारी बताती है। आचार्य ने भी उसी प्रकार से उसका उल्लेख किया है, और शायद मुझे लगता है जहां तक कि जब गुड़ुची आती है तो ज्यादा से ज्यादा वो नीम के इसमें ही मतलब मिल जाती है, तो इसीलिए भी शायद उन्होंने इसका इंडिकेशन किया होगा। प्रत्येक को संभाग लेकर जौकुट उसका चूर्ण करना है, और फिर हम लोग जैसे काढ़ा बनाते हैं इसी रूप से इसका काढ़ा बनाना है। इसको भी वही मात्रा में हम लोग देंगे, लाइक 5 से 10, 10 से 20 ml तक की मात्रा में पानी मिलाकर, इसमें उतना ही पानी मिलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पथ्यादि कषाय। सिद्ध योग संग्रह में पथ्यादि कषाय के बारे में वर्णन किया है इसका, तो हिरडा बेहड़ा आंवला यानी त्रिफला इसमें है, चिरायता हल्दी और नीम के इस पे लगी हुई गुरुची इसमें है, तो ये भी काफी पथ्यादि कषाय भी सर दर्द ज्वर में, या जब पेशेंट में कोई पांडु या कामला जैसे व्याधियों में सरदर्द जैसे कुछ लक्षण होते हैं ना, वहां पे पथ्यादि कषाय का अच्छा उपयोग होता है। पथ्यादि कषाय का ऐसे तो कुछ साइड इफेक्ट के रूप में इसको कुछ वर्णन नहीं मिलता है पथ्यादि काढ़ा, इसके टैबलेट्स भी मार्केट में मिल जाते हैं। पथ्यादि कषाय मेनली
वात और कफ के लिए खासकर उपयोग में लाया जाता है, यानी जब ज्वर में या जहां पर भी, जैसे अभी मैं शीर्षूल की बात करें तो शीर्षूल की संप्राप्ति में निश्चित रूप से वात दोष का सहभाग होगा ही होगा। और हमने कोरोना केस में देखा कि कफजनित लक्षण भी रहते थे, खांसी है, बुखार है, या जैसे सांस फूलना है, तो इसके लिए भी ये पथ्यादि कषाय जो है इसका एक अच्छा रिजल्ट हमें मिला, कॉम्बिनेशन में भी मिला, या आप इसको सिंपल भी इसमें दे सकते हैं। इसका शेल्फ लाइफ वही है जो एक सामान्य कार्ड तौर पर होता है। आचार्य क्षारंगधर ने इसका संदर्भ दिया है उसके संहिता में, क्षारंगधर संहितोक्त ये कल्प है, 3 इयर्स इसका शेल्फ लाइफ है पथ्यादि कषाय का। आपने कहाँ पर यूज किया है पथ्यादि कषाय का बताइए मुझे। मैम ऊर्ध्व चतुर्ग्रह रोग जितने भी रहते हैं ना उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होते हैं। यस यस, शिरोगत विकार, यस, उसमें कर्णगत विकार, शिरशूल, माइग्रेन, हेडेक, वातजनित, ऊर्ध्वजत्रुगत और वातजनित खास करके। यानी ऊर्ध्वजत्रुगत में बात करते हैं तो अस्थि मज्जागत हमें ये मध्यम मार्गाश्रित विकार जो है, लाइक नर्वस सिस्टम के विकार है या पैरालिसिस है, हेडेक है, तो खासकर ऊर्ध्वजत्रुगत भाग में शिरो आता है ना, मस्तिष्क आता है, तो मस्तिष्कगत विकारों में इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सभी प्रकार के सूर्यावर्तक, अर्धाव भेदक, यानी कुछ यहाँ पे सिरा सूर्यावर्तक में जैसे सूर्य के चढ़ने के बाद पेन अधिक बढ़ जाता है, जिसको हम लोग माइग्रेन के रूप में बोलते हैं, अनंतवात है, तो ये सभी जो 80 प्रकार के नानात्मज व्याधि बताए उसमें भी खासकर ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि बताए ना उसमें इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पथ्यादि कषाय, हेडेक, माइग्रेन, या फिर वैस्कुलर हेडेक है, या जो भी है क्लस्टर टाइप का हेडेक हो, सभी प्रकार के इसका पथ्यादि घृत करके भी आता है, हेडेक या टूथेक, दांत में भी दर्द होता है, दांत के दर्द के अनेक सारे कारण है, दांत में कीटाणु होने के कारण, या कभी कभार एज के कारण भी दांतों में दर्द होता है, कभी कभार कुछ लाइक इन्फेक्शन के टाइप से भी दांतों में दर्द होता है, दांत कभी कभार सड़ भी जाता है, जैसे उसका आजू बाजू का कुछ पार्ट अगर खराब हो गया हो या कुछ अलग से इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ खान पान में भी ऐसे बदलाव आया हो तो भी दांतों में दर्द हो सकता है। तो टूथेक बहुत ही पेनफुल रहता है, जब शरीर का कोई भी हिस्सा वैसे हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बट दांत का दर्द एक अलग ये करता है, दांत के दर्द के समय पेशेंट बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है, तो इसमें भी आप टूथेक में या ईयरेक में भी, कर्णशूल में भी अच्छा उपयोग है। दूसरा मैंने थोड़ा सा इसका ये किया तो नाइट ब्लाइंडनेस, या एक्चुअली नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन ए जो रोड्स एंड कोन्स, जो रोडोप्सिन सिक्रेट करते हैं, रोड्स एंड कोर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट विजन, तो इसके लिए जो एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है वहां पर, इसके लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, जिसके कारण ही ये पूरा जो प्रक्रिया होती है ना, एकोमोडेशन है या जो भी चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, रेटाइनल चेंजेस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन है, इन सब में इस प्रकार के केमिकल का अच्छा रोल होता है, जो कि केमिकल बनाने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे आधुनिक शास्त्र में विटामिन डिफिशियंसी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस इस रूप से आया है। तो यहाँ पर पथ्यादि कषाय जो है इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट में देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना कैसे रिलेट हम लोग कर सकते हैं, कितना सुंदर है। इसके कंटेंट्स ध्यान में रखिए, त्रिफला, किरडा, भेड़ा और आंवला। त्रिफला ये त्रिदोष का शमन करता है, और त्रिफला खास करके चक्षुष बताया है, चक्षुष गण में त्रिफला का वर्णन है। आंवला भी चक्षुष है, हेड़ा भी चक्षुष है, और बेहड़ा भी चक्षुष है। इसीलिए आंखों के कंजक्टिवाइटिस हो या जब आंखों में कुछ शिकायत होती है तो आंख धोने तक के लिए हम लोग त्रिफला का उपयोग करते हैं, त्रिफला के काढ़े का प्रयोग करते हैं। ओरल टाइप ऑफ थ्रश है या फिर लेक्स्टोमेटाइटिस है, ग्लॉसाइटिस है, उसमें भी हम लोग गंडूश या कवल धारण करने के लिए त्रिफला का प्रयोग करते हैं। तर्पण फुटना फुटपाक अगर आंखों के ऊपर करना हो तो आंखों के लिए जो भी पोषण या आंखों के रसायन के रूप में काम करना होता है तो वहां पर हम लोग त्रिफला गुप्त का प्रयोग करते हैं। सो त्रिफला तो ड्रामेटिक ड्रग है, आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के सभी विकारों में त्रिफला इंडिकेटेड है, इसीलिए चक्षुष है, इसीलिए इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या आप क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हम लोग रात्रंधत्व कहते हैं, रात्रंधत्व यानी रात्रि में दिखता नहीं है। मुझे लगता था कि जब पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि कहाँ ऐसे पेशेंट्स आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग क्लिनिक्स से जुड़े तो फिर एक दो मेरे मतलब क्लोज पेशेंट्स भी मैंने देखे कि जिनको रात में सच में नहीं दिखता है, तो बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स आज भी है। और विटामिन ए डिफिशियंसी
का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी आंखों पर होता है, विटर स्पॉट या फिर लाइक जेरोप्थाल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आईज या आंखों से कुछ निकलना, आंखों में पेन होना वगैरह वगैरह टाइप के सारे लक्षण विटामिन ए डिफिशियंसी में मिल जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे त्रिफला या आंवला में विटामिन सी भी अच्छा मात्रा में रहता है, विटामिन सी जो कि सेल्युलर लेवल पर या सेल्स की जो एक फिजियोलॉजी होती है, सेलुलर लेवल की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है ना, उसके लिए भी अच्छा ये काम करने वाला है, सेल के ऊपर काम करने वाला अच्छा ड्रग बताया है। तो बिल्कुल त्रिफला चक्षुष है, इसीलिए यहाँ पे पथ्यादि कषाय का उपयोग हम लोग रातांध्रपणा या फिर आंखों की समस्या के लिए भी आप दे सकते हैं। मुझे लगता है इसको हम लोग रसायन के रूप में, जैसे पेशेंट्स बताते हैं ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आंखें जल्दी थक जाती है। अभी हम लोग पैंडेमिक के कारण मानिए या अब वैसे भी उसके पहले से भी मोबाइल्स का या लैपटॉप का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, तो एक आंखों का एक अलग सा मतलब ये हो गया, आंखें हमारी जल्दी थक जाती है और एक अलग प्रकार का स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है, टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड स्ट्रेस इसको हम कह सकते हैं। इसके कारण आंखों की जो रोशनी है या चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ जाना है, जो चेंजेस आने हैं, पहले मैं जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि बहुत बूढ़े व्यक्ति हो जाते थे तब उनका कहीं जाकर जो सर्जरी करते हैं ना हम लोग, नॉर्मल सर्जरी जो होती है, ऑपरेशन होता है आंखों का, वो 60 के ऊपर वाले एज में होता था। आजकल तो मैंने देखा 50 या 55 के अराउंड ही होने लगा है। तो ये चेंजेस आए हैं, तो इसके लिए पथ्यादि कषाय एक नॉर्मल रसायन के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिफला है तो त्रिफला यहाँ पे अच्छे से काम करेगा। इसलिए चक्षुष्य काम करने के कारण आंखों के विकारों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों का पेन, आई पेन, आंखें दुखना, कोई भी कारण हो, अधिक आंखें के दुखने के लिए तो बहुत सारे कारण होते हैं, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये तो हो गया, बट कम प्रकाश में आंखों का प्रयोग करना है, कुछ आंखों को अधिक तीव्र इसमें ज्यादा काम करना है, रेडिएशन है या सनलाइट है उसका अधिक मात्रा में सेवन करने के, ये भी हेतु उसमें मिल जाते हैं। तो ये इसके कारण भी आई पेन है। और आय जैसे ये आईज जिसमें आलोचक पित्त का स्थान है, आंखें यह पित्तजनित अवयव है, पित्तप्रधान अवयव है, आंखों के साथ मज्जा धातु का भी अच्छा संबंध होता है, मज्जा प्रधान अवयव आंखों को माना गया है। आंखें तो आंखों से एक तेज झलकता है, आंखों का एक अपना महत्व भी है, तो आंखों के साथ आलोचक पित्त जुड़ा है, जिसके दो प्रकार आचार्य भेल संहिताकार ने बताए थे, बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक। तो इसीलिए जब हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को देखते तो हमारे मतलब एकदम से हमें ज्ञान होता है, तो ज्ञान के लिए बुद्धि वैशेषिक पित्त रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो दृष्टि की क्रिया है, ये चश्मा है, ये गॉगल है, ये पेन है, जो चीजें हमें दिखती है, इसके लिए चक्षु विशेषक पित्त काम करेगा। तो आई पेन के लिए भी आप पथ्यादि कषाय इंडिकेट कर सकते हो पेशेंट को। आई डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद द इन्फ्लामेशन, सूजन है पेशेंट्स में, कंजक्टिवाइटिस है, या कुछ बाहर से कुछ घुस गया अंदर, कोई भी शल्य टाइप का, कई बार कुछ बच्चे, छोटे बच्चे भी खाते खाते कुछ ये हो सकता है, या खेलते खेलते भी कुछ मिट्टी वगैरह भी आंखों में चली जाती है कई बार, तो इसकी वजह से भी हम लोग आंखों को रब करते हैं तो सूजन आती है, तो विजन डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, रेडनेस है, पेन डेवलप होता है, तो इसके लिए भी पथ्यादि कषाय इंडिकेटेड है। तो बिल्कुल मुझे लगता है ऊर्ध्वजत्रुपद विकारों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वात दोष का तो हर जगह भी है, अधो शरीर पे भी जाते तो हमें लगता है वहां पे भी वात दोष है। मुझे लगता है वात दोष के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंस वात दोष को दिया गया है। तो वात के विकारों में और शीर भाग में कफ दोष भी है, तपक कफ हमने देखा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रूप में, जहां जहां पर भी वात दोष है, जहां जहां पर भी हम संधियां है या लाइक हमारे सारे सिस्टम्स है, कर्ण की रचना को देखिए, आंखों की रचना को देखिए, मस्तिष्क की रचना को देखिए, इन सभी में प्राण वायु है या उदान वायु है, वहां पर कहीं ना कहीं एक लेयर कफ दोष का है, जो कि वहां की रुक्षता को कम करता है, नरिशमेंट देता है। आंखों में भी एक प्रकार से कफ दोष है, जो आंखों में फ्लूड है, नेजल कैविटीज में फ्लूड है, ईयर में फ्लूड है, शरीर के हर हिस्से में जहाँ पे हम लोग ज्यादा गतिमान रहते हैं, ज्यादा क्रियाएं होती है, वहां पर नेचुरली कफ दोष की रचना की है, और इसी कारण कफ दोष बैलेंस करता है। जब वात बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कफ का जो प्रमाण है वो भी कम होता है, कफ का क्षय वहां पर होगा। तो इस प्रकार से वात कफ जनित संप्राप्ति के जो भी व्याधि है, इसमें पथ्यादि कषाय अच्छा काम करेगा। बिल्कुल ये ऊर्ध्वजत्रुगत सभी व्याधियों में आप इसका इंडिकेशन कर सकते हो। पथ्यादि कषाय आप मुख रोगों में भी, मुखपाक में भी दे सकते हैं, मुखपाक में आप इसका गंडूष करवा सकते हैं पथ्यादि कषाय का, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पथ्यादि कषाय या भू निम्बादि कषाय से भी आप गंडूष करा सकते हैं।
क्योंकि इसमें पथ्यादि में तो त्रिफला है, तो त्रिफला अल्टीमेटली मुख रोग में भी काम करेगा। यस, तो त्रिफला है तो आप अभी सोचिए कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई थिंक और कुछ इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे, जैसे यकृत के विकारों में भी ये काम करेगा, गुनिम्बादी के साथ भी रसायन के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।